सो हेलो गाइज, वन सेकंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेडी ब्लॉग्स। होप गाइज आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज पीछे देखो अपनी एंटोर के, आज भाई बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा गाइज पॉलिश यूज़ करता हूँ अपने स्कूटी के लिए। वैसे कल संडे राइड पे जाने वाला था, क्यों ना सोचा कि पॉलिश कर लेता हूँ और आप लोग गाइज एक वीडियो बना दूंगा कौन सा पॉलिश हम यूज़ करते हैं। गाइज मेरे पास है मोटो मैक्स का रबिंग पॉलिश जो कि गाइज काफ़ी मस्त है। एंड लास्ट में आपको बताऊंगा पॉलिश का, बताऊंगा पॉजिटिव पॉइंट और एक बताऊंगा आपको इसका नेगेटिव। तो वीडियो को देखो या तो बैक कैमरे से अभी कैसा है एंड यस साइन करता है गाइज। तो काफ़ी अच्छी कंपनी आप लोगों ने सुना होगा मोटो मैक्स का, तो अपने को पड़ा गाइज 70 रुपये का, MRP 70 रुपये है, दिखाऊंगा बैक से। और 70 को अपने को पड़ा था, नाई वाले से मैंने लिया था। चलो एक बार दिखाता हूँ स्कूटी अपनी कैसी दिख रही है। आपके सामने बेताल देखो कितनी साफ सुथरी लग रही है, घर से वॉश करके लाओ प्रॉपर। एंड पॉलिश गाइज एरा जो कि मोटो मैक्स का देख सकते हो, बाइक लिक्विड पॉलिश जो कि एक रबिंग पॉलिश होता है। इसका प्राइस आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 70 रुपीज़ इसका प्राइस है एंड 100 ml का होता है, तो मेरे को 70 रुपये का ही पड़ा है। और अप्लाई कैसे करना यहाँ पे लिखा भी है, बट आपको मैं बताऊंगा। तो भाई पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, आपके भाई ने सब कुछ रिसर्च कर रखा है। और हेलमेट देखो, हेलमेट भी अच्छे से साफ ऑफ कर दिया है। तो गाड़ी बताओ कैसी लग रही है, अभी तो इतना साइन कर ही रहा गाइस, बट जो पॉलिश अप्लाई करेंगे ना ये मोटो मैक्स वाला, तो काफ़ी साइन मारने लगता है। मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, ये मेरा दूसरी टाइम होने वाला आपके लिए वीडियो बनाता था। कल संडे राइड है तो अपनी भाई बेताल चमकनी चीना गाइस। यूज़ कैसे करना है इसको निकाल के गाइस, इसके जहाँ जहाँ पे आपका बॉडी है उसको बस सभी के अच्छे तरीके से ऐसे करके मैशअप करना है, लगा देना। ड्राई हो जाने के बाद लगेगा 5 मिनट 2 मिनट, जितना भी ड्राई हो जाए आपको लगे हल्का हल्का सूख रहा गाइस, उसको अच्छे से कपड़े से उसको रगड़ना है, जब भी रबिंग बोलते हैं। जितना रगड़ोगे गाइस उतना शाइन मारेगा। तो चलो मैं अप्लाई करता हूँ, आप देखो नहीं होता है व्हाइट कलर का, देखो लिक्विड टाइप में इसका होता है। इसको क्या करना है अपने को पूरा लगा के इसके अंदर अच्छे से मैशअप करना है पूरी बॉडी पे। मैं यही बोल लूँगा कि देखो जैसे आप ये वाला कर रहे हो तो पहले ये वाला करो, फ्रंट साइड जितना भी है इस पर लगा लो, सूख जान दो इसको, अच्छे से क्लीन करो, रब करके अच्छे से पॉलिश कर दो, फिर बैक साइड पे आना। पिछली बार में से क्या हुआ था कि मैंने पूरे बॉडी पे लगा दिया एंड काफ़ी ड्राई हो गया था, तो मुझे काफ़ी घिस घिस के भाई मेहनत करना पड़ा था। तो ऐसा मत करना, पहले एक साइड का क्लियर कर लो, लगाओ पॉलिश करो, फिर बैक साइड में कर डाल के अच्छे से रब करना, फ्रंट से स्टार्ट करो। देखो लिक्विड टाइप में इसको अच्छे से हाथ से पूरे में फैला देना ऐसे करके, इस तरीके से क्लोज आ जा रही हाथ और आने बस, कहीं मेरा वीकेडी ब्लॉक ना मिट जाए। तो भाई जितना भी अपना सरफेस है ना सब में अच्छे से लगा देना, अच्छे से ऐसे रब करना है और इसको सूखने देना है 5 से 10 मिनट, 5 मिनट में मैक्सिमम सूख जाएगा। इस तरीके से करना है, पूरे बॉडी पे लगाना है। ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा आपका यूज़ हो रहा है, यूज़ होता है बट ठीक है, अच्छे से पॉलिश होगा। तो इस तरीके से गाइस पूरे पे लगा देना है। रबिंग पॉलिश का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि गाइस की बोलते हैं कि जो स्क्रैचेस होते हैं ना हल्के हल्के वो चले आते, पता नहीं जाता नहीं जाता, बट अच्छे से रब करना है तो जो स्क्रैचेस हो सकते हैं मे भी छूट जाए। क्लेम तो करते हैं बट पता नहीं होता नहीं होता, अपने गाड़ी पर वैसे स्क्रैच नहीं है बट शाइन गाइस करता है। तो देखो अच्छे से अभी हो चुका है, इसको हम देंगे अभी सूखने 5 मिनट के लिए, बाकी जो अपना सरफेस एरिया है इन सब पे सेम ऐसी तरीके से अप्लाई करना है। देखो लगभग हमने सारे पे कवर कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक, मरगार्ड में भी लगा दिए, साइड पैनल होता अपना 125 वाला वहाँ पे भी लगा दिया। धीरे धीरे देखो सूखने लगा है, इससे पहले प्रॉपर सूख जाए तो इसको घिसने में ना गाइस काफ़ी टाइम लगेगा, तो इससे पहले ये और ज़्यादा सूखे इसको अच्छे से कपड़े से अपन करते हैं रब। अब देखना जो इसकी रबिंग करने का जो इसका शाइन आएगा ना, रियल शाइन गाइस अब आने वाला, जो अच्छे से कपड़े से क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले इसका फ्रंट वाला पार्ट कर लेते हैं जो अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए चाहिए गाइस अपने को एक साफ कपड़ा, बोला था कोई सा भी ले लेना, कॉटन का होना चाहिए बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो इससे करेंगे अच्छे से रबिंग। फिर अपने पास एक क्लीन कपड़ा करना है क्या है कि इसको अच्छे से भाई अभी घिसना है, बोले तो रबिंग करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपन फ्रंट से पूरा धीरे धीरे सूख रहा है, ज़्यादा सूखने मत देना वरना बहुत दिक्कत होगी आपको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो इस साइड से क्या करना है, एक वे में घिसना है, लग गए इधर आ भाई, जान लगाना पड़ेगा। तो गाइस काफ़ी सूख गया भाई इसको, अब घिसना है, सबसे मेन काम यही होता है गाइस। देखो जैसे जैसे मैं घिस रहा हूँ तो आप वीडियो में नोटिस करना, देखो यहाँ पे भी रबिंग लगा पड़ा है, इस साइड पॉलिश लगा पड़ा है, इस साइड देखो घिस रहा तो साइन हो रहा। तो अभी ऐसे करना है, आपको नोटिस दिखा रहा हूँ फ़र्क, अच्छे से घिस के इसको साफ करना है। जितना भाई आप घिसोगे ना गाइस उतना ये पॉलिश साइन मारता है, अभी दिखा दूंगा आपको, देखना अच्छे से घिसने दो। भाई लोग मैं यही बोलूँगा गाइस कि जितना ज़्यादा घिस सकते हो उतना घिसना, जितना आप घिसोगे ना आपको खुद ही नोटिस होगा कि भाई साइन आपका स्कूटी ज़्यादा करेगा। तो यही काम है इसके अंदर भाई, रबिंग करना अच्छे से जितना हो सकेगा इसको आप कर लेना, हालत ख़राब होगी बट करना पड़ेगा। पार्ट गाइस कितना शाइन कर रहा है और जहाँ पे गाइस अभी भी पॉलिश लगा पड़ा है, देखो वाइट वाइट हो रहा है गाइस, यहाँ पे पॉलिश है
तो अभी इसको भी करेंगे सेम ऐसे चमकने लगे। तो गाइज आपके सामने रिजल्ट भाई है कि मोटो मैक्स का अपना जो पॉलिश होता है किस तरीके से कितना अच्छा गाइज काम कर रहा है। यहाँ पे क्लियर नोटिस देख लो, ये वाला पार्ट और ये वाला शाइन कर रहा है। एंड इसको भी अभी ऐसा बनाने वाले, चलो पूरे बॉडी को अच्छे से घिस लेते हैं। अब भी देखो भाई सेम वैसी शाइनिंग गाइज आने लगी है, तो पूरे पार्ट को गाइज ऐसे घिसना पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, यही है कि थोड़ा मेहनत लगता है इसमें। भाई पॉलिश करने के बाद गाइज मतलब मान लो 15-20 मिनट हो गए भाई घिसते घिसते, आपको क्लोज से दिखाता हूँ गाइस इसका शाइन मार रहा है देखो। तो गाइज ये है भाई रिजल्ट आफ्टर पॉलिश, ये देखो हमने यहाँ पे लगा था फ्रंट में इसका, ये देखो नंबर प्लेट, साइड से आप देख लो 125 वाला सेक्शन देखो, ये भी काफ़ी शाइन मार रहा है इसका। गाइज इसका हेडलाइट होगा देखो, हेडलाइट भाई कितना शाइन कर रहा है, अभी पॉलिश किया है। एंड इस साइड से चेक करो तो गाइज ये है भाई रबिंग पॉलिश का कमाल। बट गाइज भाई सच बोलूँ पसीने निकाल देती है, इसका यही एक डिसएडवांटेज है भाई कि पसीने निकाल देगा आपका घिसता घिसता, हालत ख़राब, हाथ बहुत दर्द करता है। एंड गाइज हाथ बहुत कसम से बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल कंधे दर्द हो गए। अब सेम गाइज अप्लाई करना है अपने को इसके बैक वाले पार्ट पे, अच्छे से वैसे सेम करना है कि लगाना पॉलिश फिर अच्छे से रख करके घिसना है। चलो बैक पर भी लगाते भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत है। बट यस गाइज इसका जो पॉलिश का शाइन है काफ़ी देर तक रहता है। फाइनल गाइज यहाँ पे देखो भाई गाड़ी प्रॉपर तरीके गाइज पॉलिश हो गया भाई, बहुत टाइम लगा गाइज, बहुत टाइम प्लस मेहनत, 1.5 घंटा मुझे होगा पॉलिश करते करते यहीं पे। अपन को पता होगा गाइज कि हम गाइज आए लगभग 4 बजे पूरा, लगभग थोड़ा सा धूप था, अभी देखो शाम होने वाला 5:30 हो गया। तो आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, ये देखो फ्रंट से गाइज देखो कितना शाइन कर रहा है। एंड साइड का आप पैनल चेक करो और ये वाला पैनल चेक करो गाइज, यहाँ पे हमने कर दिया। सीट देखो, सीट भी काफ़ी शाइन कर रहा है। और मीटर की बात करें तो गाइज मीटर भी काफ़ी ओके है। और एग्जॉस्ट देखो, एग्जॉस्ट भी काफ़ी शाइन कर रहा है। बैक साइड की बात करें गाइज ये वाला चेक करो, इधर से भी ठीक है। और इस साइड में बोले तो गाइज प्रॉपर तरीके से हमने सब जगह पॉलिश कर दिया है, ये पार्ट चेक करो, माय ड्रीम बेताल कितना शाइन कर रहा है गाइज। तो काफ़ी भाई मेहनत लगा, बट आपके भाई ने गाइज पॉलिश प्रॉपर तरीके से कर दिया है। और कल का संडे राइड पर सिर्फ अपनी गाड़ी चमक गई गाइज, अपनी बेताल का कमाल है देखो मोटो मैक्स का। बट भाई ये है ना जो पॉलिश गाइज जान निकलवा देती है, 1.5 घंटा हो गया इसको रब करते करते पूरा शोल्डर दर्द कर रहा है गाइज, पूरा शोल्डर, सच बोल रहा भाई बहुत ज़्यादा है गाइज। मतलब इसमें आपका मेहनत लगता है बट जो रिजल्ट निकल के आता है ना गाइज काफ़ी खतरनाक, एक नंबर बोलो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो अब बात करते हैं इसके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट की। तो गाइज का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप इसको जितना रब करोगे गाइज उतना शाइन करेगा और इसका पॉलिश गाइज हफ्ते भर आराम से चल जाएगा, बस आप टाइम टाइम पे इस पर कपड़ा कर देना साफ, अच्छे से शाइन दे रहता है, काफ़ी देर तक रहता है। और इसकी नेगेटिव बात करें तो गाइज इसका मोटो मैक्स का यही है कि भाई आपका ये टाइम ज़्यादा लगा गाइज, 1.5 घंटा आपका कहीं नहीं गया, प्लस आपके शोल्डर पे पेन होगा, काफ़ी दम लगा इसको रब करना पड़ता है, यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी तो काफ़ी अच्छा, 70 रुपये में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, मेहनत है गाइज जो कि आपके भाई ने किया। आप इसको ले सकते हो, मोटो मैक्स का पॉलिश आता है रबिंग गम पॉलिश इसको बोलते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना, भाई अंधेरा हो गया काफ़ी हार्ड। एंड चैनल पर गाइज नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में, गाइज टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। चलो। I'm gonna go for it.
Everything you believe is everything.